आज हम ऐसे 18650 लैपटॉप की बैटरी का चार्जर बनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें ऐसा एक पीवीसी का पाइप ले लेनी है, इसमें निशान लगा लेना है और इसे काट लेना है। तो फ्रेंड्स, मैंने इसे काट लिया है। उसके बाद फ्रेंड्स, हमें ऐसा एक प्लास्टिक की शीट ले लेनी है और उसे ऐसे काट लेना है। तो फ्रेंड्स, मैंने इसे काट लिया है। उसके बाद फ्रेंड्स, हमें ऐसा एक चार्जिंग मॉड्यूल ले लेना है और इसको इस पाइप में घुसा लेना है। इस तरीके से फ्रेंड्स, उसके बाद फ्रेंड्स, हमें ब्लैक वाले वायर को कट कर लेना है, छील लेना उसको। तो फ्रेंड्स, मैंने छील लिया। अब उसके बाद हमें किसी खराब रिमोट से ऐसा स्प्रिंग निकाल लेना है और उसके काले वाले वायर को इसमें अच्छे से लगा देना। उसके बाद फ्रेंड्स, हमें ऐसा काट लेना है और इसे अच्छे से इसको ऐसे करके फेविक्विक से चिपका लेना। तो फ्रेंड्स, मैंने इसे चिपका लिया है। तो फ्रेंड्स, अब इसको कनेक्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हो गया है। अब फ्रेंड इसको चिपका लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने इसे चिपका लिया है। अब इसके पीछे वाले भाग को चिपकाते हैं। ये चिपक चुका है। अब इसके सामने वाले भाग को चिपकाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने इसे चिपका लिया है। अब फ्रेंड्स, सैंड पेपर की मदद से इसे अच्छे से फिनिशिंग दे देना है। तो फ्रेंड्स, मैंने अच्छे से फिनिशिंग कर लिया है इसको और मैंने यहाँ पे टेप भी चिपका लिया है। तो फ्रेंड्स, ये बन गया है। इसकी टेस्टिंग करते हैं। स्प्रिंग साइड वाला माइनस है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छे तरीके से लग गए। तो फ्रेंड्स, इसमें लाइट भी जल चुका है, ये चार्ज हो रहा है। ये अच्छे से वर्क कर रहा है फ्रेंड। तो फ्रेंड